मैं आपको अच्छे से एक बार दिखा देता हूँ करीब से। ये देखिए माशाल्लाह से कितने कितने ज़्यादा क्यूट है यार। ये चूल्हा हमारा जो है ना काफ़ी ज़्यादा ढीला है बेचारा, बस आपने दुआ करनी है ये चूल्हा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं ना यार काफ़ी खुश भी हूँ और लेकिन एक बैड न्यूज़ भी मिल गई है। आज हमारा एक चूज़ा जो है ना, जो मुर्गी ने हमारे चूज़ा निकाले थे उनमें से एक चूज़ा ढीला लग रहा है, मुझे लगता है अनकरीब ये मर जाएगा। फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ, बस यार मेरा दिल नहीं करता एक भी चूज़ा मरे। मुझे काफ़ी वो यार अफसोस हो रहा है क्योंकि एक भी चूज़ा अगर मरा ना तो मुझे दुख हो रहा है यार। ये चूज़ा हमारा जो है ना काफ़ी ज़्यादा ढीला है बेचारा, बस आपने दुआ करनी है ये चूज़ा जल्द से जल्द ठीक हो जाए क्योंकि ये बेचारा। बाकी चूज़े सभी माशाल्लाह से एक्टिव है, मेडिसिन वाला पानी वगैरह दे रहा हूँ सभी को, ये देखें। बाकी इस चूज़े को थोड़ा सा मसला है तो बाकी माशाल्लाह से सभी एक्टिव हैं। चलो भाई चलो तो इनकी माँ सभी चूज़ों की अच्छे से केयर कर रही है, लेकिन जब मैं दाना वगैरह डालता हूँ ना उस वक्त जो मसला बनता है तो ये पाँव मारती है ना, पाँव के नीचे आ जाता है जिसकी वजह से ना चूज़ों को थोड़ा सा ना एक चूज़े का मसला बना है। बाकी चूज़े माशाल्लाह से सभी एक्टिव हैं। दोस्तों मैंने एक दिन पहले आपको कहा था कि हम ना दखनी चीतल लेने वाले हैं, फाइनली उन भाइयों से बात वगैरह हो गई है, पैसों की बात वगैरह हो गई, वो मैंने परचेज़ कर ली है। थंबनेल देख के समझ चुके होंगे, लेकिन फ़िलहाल अब मैं आपको दिखाता हूँ जैसे उस दिन भी मैंने आपको दिखाए थे। फाइनली एक जब से मैं लेके आया हूँ उस दिन से हमारे सेटअप पर थे, फिलहाल मैंने आपको दिखाए नहीं थे। सिर्फ एक दिन पहले लास्ट वीडियो डाली ना, उससे सेकंड लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी उस वीडियो पे मैंने ना बताया था कि भाई दखनी तीतर मैंने लेने हैं, फाइनली वो परचेज़ कर लिया, वो अब हमारे हो चुके हैं। तो फिलहाल सही किया कि सही किया? बिल्कुल ठीक किया, दखनी तीतर ले लिया आपने। क्या हुआ? बस राशि याद, दखनी तीतर का नाम ही कुछ ऐसा है। दखनी तीतर नाम अजीब सा या हम इनको अच्छा सा प्यारा सा नाम भी रखेंगे। और इधर जो छोटे छोटे हमारे सील चीक्स हैं ना वो भी लड़ने लग पड़े हैं। फिलहाल मैं आपको बाहर निकाल के जो है वो बाहर निकाल के, लेकिन अभी तो फिलहाल कमरे के अंदर रखे हुए हैं। ये देखिए मुझे इनमें दोस्तों, और आपने बताया नहीं है फिर यार फिलहाल इनको बाहर ले आओ, डरते ही हो काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको बाहर निकाल के ना रोशनी में दिखाता हूँ क्योंकि आपको अच्छे से नज़र नहीं आएंगे। ले ओ ले ओ ले ओ भाई ओ भाई ओ भाई वे आराम से लेके चले यार, काफ़ी ज़्यादा डरते हैं इसी वजह से मैं इनको बहुत कम ही। अब इनका केज भी अच्छा से बनवाएंगे क्योंकि मिट्टी में ये रहते हैं तो इन्होंने अंडे भी देने हैं इस साल। ये ब्रीड का मौसम है ना, ब्रीड का अंडे वगैरह देने का मौसम है। तो ये देखिए हमारे तीतर, तो लास्ट टाइम मैंने आपको हाथ में पकड़ के खाए थे, आज मैं आपको हाथ में पकड़ के नहीं दिखाऊँगा तो क्योंकि यार उड़ गए ना, तो भाई साहब फिलहाल मसला बन जाएगा। हाँ। इतनी मुश्किल से हमने परचेज किए हैं तो ये है, मिले भी काफ़ी महंगे हैं, तो आपने इसकी प्राइस बतानी है और इसका जो है ना अच्छा सा नाम भी बताना है और इनमें से और बताना है कि इनमें से मेल और फीमेल कौन सी है। तो मुझे पहली बार ज़िंदगी में पहली बार मैंने ये लिया है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है इनके बारे में। फिलहाल फिलहाल साइड पर उठ यार, काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं ये बेचारे। चल मैंने कहा मैं आपको अच्छे से एक बार दिखा देता हूँ करीब से। ये देखिए माशाल्लाह से कितने कितने ज़्यादा क्यूट है यार। मैंने आपको अच्छे से तीतर जो है दिखा दिया है, तो आपने बताना आपको इसकी कितनी प्राइस होनी चाहिए, कितने में मुनासिब हमने लेने चाहिए। फ़िलहाल ले तो लिया, प्राइस में नेक्स्ट व्लॉग में आपको बता दूँगा। फिलहाल अब तो हमारे हो गए हैं, पैसे भी दे रही हैं तो महंगे लिए सोचे नहीं है, और आपने ही बताना फिर बाद में। तो नेक्स्ट व्लॉग में इस इनकी प्राइस भी बताऊँ, काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे ना, मैंने आपको अच्छे से दिखा दिए तो फिर इसे मैंने उनको उसी जगह पर सेट कर दिया। इनका अच्छा सा केज वगैरह बनवाएंगे, अगर थोड़ी सी भी ऊँच नीच होगी ना तो ये इन्होंने उड़ जाना है। तो जब भी मैं बोलने लग पड़ता हूँ ना तो पैट्स जो हमारे हैं भाई सब शोर करने लग पड़ता है मेरी आवाज़ सुन के, भाई गुस्सा काफ़ी ज़्यादा मुझे इस पर उन पर इनका आया हुआ है। तो फिलहाल तीतरों को फिर से उनकी जगह पर सेट कर दिया, और जो है ना आज एक और गुड न्यूज़ है, ये इस डब को मैंने ना पहले वो उधर बंद किया हुआ था उस केज में कबूतर के साथ, कबूतर ने इसको इतना दरा मारा फिर मैंने फिर से इधर से इधर ला के बंद कर दिया। तो बंद कर दिया, उधर लेके जाएंगे, उधर बंद कर देना है। क्या वीडियो में इधर ला के बंद कर देना, बार बार ना जगह एक्सचेंज कर रहा हूँ ना जिसकी वजह से वो उसे इसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है। तो फिलहाल माशाल्लाह से फिर से ना डब्स ने अंडे दे दिए, मुझे लग रहा है मैं ना इस पाइट टब को ना पाइट जो हमारी बैठी हुई है टोकरी में अभी इसके नीचे दो अंडे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। अंडे खराब दिखा देता हूँ यार,
पैक्स भी ना इसी केज में बंद किया हुए, मैं आपको अच्छे से ना दिखा तो काम हो गया। ओ भाई भाई दोनों देख लिया भाई, पैक्स उड़ जाने थे, पैक्स उड़ जाने थे। दोस्तों मैं जैसे अंडे आपको दिखा रहा था ना, हमारे ऑस्ट्रेलियन पैक्स उड़ने लगे थे। ओ यार ये शोर डालने लग पड़ते हैं, जब भी मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ ये देखें मेरी आवाज़ वगैरह सुन के कितना ज़्यादा शोर डाला हुआ है। तो ऊपर से मैं आपको अंडे से दिखा देता हूँ, एक इसके नीचे अंडा पड़ा हुआ है कि ये देखें सामने आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये अंडे माशाल्लाह से फिर दे दिए मुझे, ये पाइट डब पहले मेल लगता था लेकिन मुझे ये भी फीमेल है, इसने कल मेरे सामने अंडा दिया, ये तो कन्फर्म फीमेल है और मुझे ये भी फीमेल लग रही थी, मैं इसे फीमेल समझता था और इसको ना मेल। अब ये जो है ना क्या मसला बन गया, फिलहाल क्या करें आप बता, हाँ क्या करना। अब दोनों फीमेल निकल आई भाई, शोर डाला हुआ यार, दोनों फीमेल कैसे अंडा देती है, मैं बेना लगाओ तो फिर। हमने दुकानदार ने ना हमें बेवकूफ़ बनाया और दोनों ही फीमेल दे दी, तो बगैर कैसे पेयर किया समझ नहीं आ रही, अंडे कैसे दे दिए उन्होंने, फिर पहले क्या लगा हुआ है। नहीं यही ऐसे जितने भी इन्होंने अंडे दिए उनमें से एक अंडे में से बच्चा नहीं बना, अंडे दी जा रही हैं फर्टाइल नहीं होंगे इन अंडों में, बच्चे नहीं बनेंगे, हवाई अंडे दे रही हैं हवाई अंडे। और ये तोता जो है शोर डाली पड़ा है मेरी आवाज़ सुन के दबादा, और ये अंडे इसने 10 के करीब अंडे दे दिया, 10 जो होती है ना दो अंडे देती है, मुझे लगता है दोनों ही फीमेल है, 5 अंडे एक फीमेल ने दिए होंगे और एक अंडे और दूसरी फीमेल ने 5 अंडे, और जो तीसरी भी लेके आया ना जो हमने 70 रुपये की परचेज की थी वो भी उसने ना उसने मुझे लगता है उसने भी अंडे दे दिए होंगे, 10 अंडे तीनों ही फीमेल। ठीक है बात तो ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा बगैर पैर के कैसे अंडे देती है। हाँ पैर भी नहीं लगा हुआ फिर भी अंडे दे ही जा रही हैं, और ये देखे तोतों ने ना तोतों की छोड़ यार, तोते भी शोर वगैरह डाली जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों ये आपने इनका बताना है मेल और फीमेल का कैसे पता चलेगा, फिर मैं दुकान से जाके अच्छे से इनका पेयर जो है कंप्लीट करवाऊँगा, क्योंकि फिलहाल अभी तो मैं आपको मैंने अंडे दिखा दिए हैं और हमारे पैट्स जो हैं ना काफ़ी ज़्यादा शोर डालते हैं, इन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, इसी वजह से मैं इनको ना कमरे के अंदर रखता हूँ, पहले बाहर रखता था ना वीडियो बनाने में मुश्किल पेश आती थी। तो फिलहाल दोस्तों और डब्स का आपने बताना है इनमें से मेल फीमेल का कैसे पता चलता है, कमेंट बॉक्स में आपने बता देना। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आपने लाजमी बताना, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों भी हमारा चैनल बहुत ज़्यादा डाउन है क्योंकि अब 9 माह गुजर गया, तो हमारा चैनल पर स्ट्राइक भी आ गई है और आपने अपना प्यार भी नहीं दिखाया, कुछ तो कुछ करें लेकिन मेरा दिल काफ़ी दुखता है, वीडियो बनाने का दिल नहीं करता लेकिन मैं पता नहीं हिम्मत करके वीडियो वगैरह बना रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, बस आपके प्यार की और सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह से हमारा चैनल भी एक दिन बहुत ऊपर तक जाएगा, बस आपकी सपोर्ट होगी तो फिर जाएगा, इस तरह तो ही जाएगा, बस आपने सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। फिलहाल आज की वीडियो आपको कैसी लगी आपने नाम भी बताना है, और दोस्तों दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।